हाय एवरीवन, स्वागत है मेरे फिर से एक न्यू वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग वायरिंग करने आए हैं, तो यहाँ पर टोटल दो रूम, एक हॉल और एक पार्किंग, एक सीढ़ी और दो बाथरूम है। तो इसमें पूरा कंसील पाइपिंग करेंगे, दीवार को काटेंगे। काटने से पहले क्या किए हैं दोस्तों कि हर दीवार में जहाँ जहाँ पॉइंट रहेगा पाइपिंग दौड़ेगा, तो उस जगह पूरा मार्किंग कर लिए हैं। मार्किंग करके फिर उसे कटिंग करेंगे, कटिंग करके पाइपिंग करेंगे। तो चलिए दिखा देते हैं आप लोगों को कि कहाँ कहाँ पाइपिंग किए हैं, सॉरी कहाँ कहाँ मतलब मार्किंग किए हैं, उसके बाद फिर कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर पार्किंग है, जो हमारा ये मेन द्वार हो गया इधर से यहाँ से। तो यहाँ पर सामने यहाँ पर दिए हैं एमसीबी बॉक्स, और एमसीबी बॉक्स से ही हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर से जो मीटर में लाइन आएगा, देखिए जो मार्किंग किए हैं यहाँ पर, सीधे इस तरह से सीधे ऊपर गया है, और यहाँ से सीधे निकल गया है बाहर, जो मीटर से आएगा, ठीक है। और पार्किंग के लिए यहाँ पर 18 मॉडल का बोर्ड दे दिए हैं, नीचे फुटलाइट दे दिए हैं, इसका पाइप सीधे ऊपर से आएगा, जो ड्रॉप वहाँ पर दिख रहा होगा सामने, देखिए वहाँ पर ड्रॉप है, उसका ड्रॉप में कनेक्ट हो जाएगा, जो सीलिंग का पूरा पॉइंट आया है। और इसका सर्किट जो आएगा, तो वहीं से जो पाइप आएगा सीधे एमसीबी में आ जाएगा। फिर उसके बाद चलिए अंदर चलते हैं हॉल में। तो इसमें हमारा किचन में भी बनेगा। यहाँ पर देखिए इस तरफ किचन रहेगा, खुला रहेगा, और ये पूरा खुला रहेगा, और इधर यहाँ पर सीढ़ी है। तो इस हॉल का जो पूरा बोर्ड रहेगा सामने यहाँ पर रख दिए हैं, और सीढ़ी का भी स्विच इसी में रहेगा, ठीक है। 18 मॉडल का रहेगा, नीचे फुटलाइट दे दिए हैं, सीधे ऊपर उठा दिए हैं पाइप, एक ड्रॉप वहाँ पर उतरा हुआ है जो सीलिंग के लिए। ऐसे ड्रॉप इधर भी एक्स्ट्रा है इधर यहाँ पर, लेकिन एक ड्रॉप में हो जाएगा। अगर मिलाना होगा तो इधर से मिला सकते हैं, दोनों मिला दे सकते हैं। फिर यहाँ से देखिए एमसीबी बॉक्स इस दीवार के जस्ट अपोजिट में है, तो यहाँ उस दीवार से, उस एमसीबी बॉक्स से दो पाइप इधर लेके आएंगे, जो यहाँ मार्किंग किया हुआ है, इसी में से ऊपर दौड़ाएंगे, ऊपर उठाते हुए यहाँ से होते हुए सीधे ले आएंगे इस दोनों रूम के सर्किट के लिए, ठीक है। एक पाइप इसका हो जाएगा और एक पाइप इसका हो जाएगा, इसी से आ जाएगा यहाँ पर इस दीवार में, जो बोर्ड लगेगा यहाँ किचन के लिए, मतलब सर्किट इसमें लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए रूम में चलते हैं। तो रूम में भी दो दो बोर्ड दिए हैं, दो नहीं तीन बोर्ड लें, तीन बोर्ड है। तो यहाँ पर देखिए ये बेड स्विच हो गया, माथा इधर रहेगा, यहाँ पर बेड स्विच दे दिए हैं 8 मॉडल का, और सामने यहाँ पर एक 12 मॉडल का स्विच बोर्ड दे दिए हैं। उसके नीचे फुटलाइट दे दिए हैं दोस्तों। इसका जो पाइपिंग है देखिए ऊपर से आएगा, जो ड्रॉप वहाँ पर एक उतरा हुआ है, और ये साइड बोर्ड का जो यहाँ बोर्ड ला रहा है, उसका ड्रॉप देखिए वहाँ पर ऊपर दिया हुआ है, एक ड्रॉप यहाँ पर भी है दोस्तों। तो एक बोर्ड हमारा यहाँ भी लगेगा, इस दीवार के बीच बीच में लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आयरन वगैरह करने के लिए एक पॉइंट यहाँ पर रहेगा। सेम इसी तरह से इस रूम में भी दिया हुआ है, इसमें भी टोटल इसमें बोर्ड ज़्यादा है दोस्तों। एक बोर्ड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो उस तरफ दिखाएं उस रूम में, सेम यही इसी बोर्ड से कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से चला गया देखिए बेड स्विच, इसका माथा रहेगा यहाँ पर 12 मॉडल का, यहाँ पर लगा हुआ है स्विच बोर्ड, और नीचे फुटलाइट। और इस रूम में बाथरूम अटैच है, जो यहाँ पर इसमें पानी का भी काम करने वाले हैं दोस्तों, प्लम्बिंग का भी काम होगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन का जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है उसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, और यहाँ पर देखिए सीढ़ी में भी इधर पॉइंट देना है। तो चलिए दोस्तों अब पूरा कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद जब पाइपिंग करेंगे, पाइपिंग के बाद फिर पूरा डिटेल्स बताएंगे, कौन सा पाइप कहाँ गया है, पॉइंट कैसे जाएगा, स्विच कहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों पूरा कटिंग हो चुका है, ग्राइंडर का जितना काम जो था पूरा कंप्लीट हो गया है, जहाँ जहाँ पॉइंट देना था, लाइट देना था, हर जगह कटिंग कर दिए हैं, देख सकते हैं। और एक अंदर भी कटिंग पूरा हो गया है, हमारा साथी सब तोड़ रहे हैं पूरा। कटिंग करने के बाद फिर इसमें लगाएंगे पाइप और बॉक्स, बिठाना होगा, क्लिप के साथ टाइट कर देंगे पूरा, और उसके बाद फिर बताएंगे पूरा डिटेल्स। रूम में भी हो गया है, देखिए यहाँ पर पूरा कटिंग हो गया है ग्राइंडर से, इधर भी कटिंग हो गया है, जहाँ जहाँ मार्किंग किए थे, और पॉइंट जो है लाइट का सब सीलिंग में है, देखिए सब कंसेट लाइट लगेगा इसमें, 10 वाट का 8 वाट का भी लगा सकते हैं, 6 वाट का भी लगा सकते हैं, 6-3 का भी आता है। हॉल में भी सीलिंग लाइट है, तो हॉल का जो पाइपिंग हुआ है दोस्तों, ये कोई और ने किया है, देख सकते हैं कितना सारा यहाँ पूरा पॉइंट दिया हुआ है सीलिंग में, मतलब भद्दा दिख रहा है। अब चलिए जो जैसा भी है, अब दीवार में सब सुधारना होगा उसको।
यहाँ पर हमारा M3 बॉक्स रहेगा यहाँ पर, और ये जो स्पेस यहाँ दिख रहा है यहाँ वॉश बेसिन का पॉइंट देंगे प्लम्बर का जो काम होगा जब, और यहाँ पर वॉशिंग मशीन रहेगा इस दीवार में, यहाँ पर रहेगा और वहाँ वॉश बेसिन का रहेगा। बाकी दो बाथरूम है, इसमें भी काम करना है पानी वाला, गर्म ठंडा और इंग्लिश पेन लगेगा, इटालियन पेन। तो इसका अगला वीडियो हम दिखाएंगे दोस्तों। आज की वीडियो में बस आपको सिर्फ देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रिशियन अंडरग्राउंड पाइपिंग कैसे करते हैं हाउस वायरिंग में। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है हमारा इलेक्ट्रिशियन का जो पाइपिंग जितना करना था। तो चलिए एक बार डिटेल से आप लोगों को बताते हैं ये कहाँ पर कौन सा पॉइंट दिए। देखिए दोस्तों हम घर के बाहर आ गए हैं, तो ये देखिए घर का इस तरह से पोजीशन है, लुक है। तो इसका सीलिंग में देखिए जो छज्जा छुटा हुआ है उसमें पॉइंट दिया हुआ है लाइट का, और नीचे का जो छज्जा छुटा हुआ है जो बीम में खिड़की के ऊपर है उसमें भी पॉइंट दिया हुआ है लाइट का, ठीक है। ये पहले से किया हुआ था। और ये देखिए जो पाइप निकला हुआ है ये हमारा मेन लाइन इसमें इन होगा, और यहाँ से हमारा जो मेन लाइन इन होगा तो देख सकते हैं दोस्तों दो पाइप जो है जिसमें से ऊपर वाला जो पाइप है उसमें हमारा मेन लाइन आएगा, तो वहां से सीधे आ जाएगा इस 8-10 के GI बॉक्स में, यहां पर मीटर लगेगा, फिर यहां से आउटलेट जो होगा सीधे चला जाएगा आपका इधर आते हुए सीधे यहां पर आ जाएगा जैक्सन के यहां, यहां से होते हुए आपका जो स्टेबलाइजर लगेगा दोस्तों, देखिए जैक्सन जो लगा हुआ है जैक्सन से ही पाइप एक अंदर गया है, नीचे पीछे साइड छज्जा छूटा हुआ है उसमें हमारा मतलब पार्टी का वहाँ पर क्या है स्टेबलाइजर लग जाएगा, फिर वहाँ से पाइप होते हुए इसमें आया है MCB बॉक्स में यहाँ पर, मतलब यहाँ पर हमारा सभी रूम का जितना भी MCB रहेगा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर यही पाइप में जो पाइप से आया है इसमें मेन लाइन जो आएगा इसी से एक सर्किट वायर इसमें जाएगा, जाते हुए यहाँ पर हॉल के लिए जो इस पार्किंग के लिए, सॉरी ये हॉल नहीं पार्किंग है, यहाँ पर गाड़ी खड़ा करने के लिए, तो इसका सर्किट इसमें आएगा, ठीक है। और बाहर का जितना हम लाइट जो दिखाएं तो उसका स्विच यहाँ रहेगा, और फिर यहाँ से देखिए एक पाइप जो इस सीधा से सीलिंग से जो आया है देख सकते हैं, तो इसका जितना जो पॉइंट है सीलिंग का यहाँ का सभी स्विच वहाँ रहे। और एक बाहर जो पाइप गया है दोस्तों वहाँ पर एक बेल स्विच दे दिए हैं और नीचे फुटलाइट दे दिए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से फिर बताते हैं दो पाइप नीचे जो आया है जिसमें से एक पाइप है यहाँ पर 6 मॉडल का बोर्ड दे दिए हैं, और एक पाइप सीधे अंदर चला गया है इस हॉल में, हॉल में ही किचन है और दो रूम अटैच है। उसके बाद देखिए MCB बॉक्स से फिर दो पाइप ऊपर गया है, वहाँ पर भी 6 मॉडल का दे दिए हैं वहाँ पर लाइट इंडिकेटर लगाने के लिए जनरेटर का और मेन लाइन का। और उसके बाद देखिए वहीं से फिर दो पाइप अंदर गया है, चलिए आगे दिखाते हैं। और उसके बाद देखिए इसमें जो सीढ़ी के नीचे बाथरूम यहाँ जो बना हुआ है तो इसका पाइप भी देखिए उधर से आया है इस तरह से यहाँ पर, तो उसका पाइप जो आया है इसके अंदर से आया है, चलिए दिखाते हैं। तो और यहाँ से देखिए दे दिए हैं अंदर में एक लाइट दे दिए हैं, इस सीढ़ी के नीचे एक बाथरूम छोटा सा है, कंबाइन बाथरूम इसको भी समझ लीजिए, इंग्लिश इटालियन लगा हुआ है, कमोड लगेगा और शावर वगैरह सब लगेगा, इसका भी पाइपिंग हम ही लोग किए हैं प्लम्बिंग का। और सामने यहाँ पर वॉशिंग मशीन का यहाँ पॉइंट छुटा हुआ है, चलिए अब अंदर चलते हैं हॉल में। तो यहाँ पर देखिए इस साइड हमारा किचन रहेगा, दो रूम अटैच है इस हॉल में, और यहीं पर हमारा देखिए इस रूम से यहाँ बाथरूम है अटैच है उस रूम से, और इसी से यहाँ से अब सीढ़ी गया है छत की ओर। तो यहाँ पर देखिए जस्ट ऑपोजिट जो MCB लगा हुआ है उसके दीवार के पीछे में 18 मॉडल का स्विच बोर्ड लगा दिए हैं, जिसका इस हॉल का जितना भी स्विच लाइट है लाइट का स्विच है सब वहाँ रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो पाइप गया है सीधे सीढ़ी के नीचे वाला जो वहाँ बाथरूम में जो बोर्ड लगा हुआ है उसका पाइप गया है, और नीचे फुटलाइट दे दिए हैं, एक पाइप देखिए इस तरह से कनेक्ट हुआ है सीलिंग में, और वहीं से देखिए चल गया है सीढ़ी की तरफ ऊपर वाला, देखिए ये दोनों पाइप छोड़ दीजिए, ऊपर वाला पाइप देखिए सीढ़ी तरफ गया है, सीढ़ी में लाइट वगैरह गया है, और गीजर के जो पॉइंट वहाँ पर है उसका पॉइंट गया है, उसका स्विच यहीं रहेगा, ठीक है। सीढ़ी का लाइट का गीजर का स्विच यहीं रहेगा। फिर उसके बाद देखिए दो पाइप जो MCB बॉक्स से जो गया है सीधे ऊपर उतार ले गए हैं, ऊपर से इधर घुमा के घुमाते हुए यहाँ पर एक दे दिए हैं 2 मॉडल का। फिर उसके बाद देखिए इस कोना में आते हुए इस रूम में चला गया है एक पाइप, और दूसरा पाइप जो है इस रूम में चला गया, मतलब दोनों सर्किट के लिए, ठीक है। तो चलिए इस रूम में घुसते हैं। तो हमारा यहाँ पर देखिए इस रूम में उस जैक्सन के पास हमारा वहाँ कनेक्ट हो गया है, वहाँ से देखिए सीलिंग का जो ड्रॉप है लाइट का जितना जो ये दो लाइट यहाँ है, बीच में पंखा है, एक जैक्सन यहाँ दिया हुआ है ताकि इस जो फैन बॉक्स है उसका कनेक्ट किया है पार्टी, और दो लाइट इधर है। तो यहाँ से देखिए जो पाइप उतरा हुआ है यहाँ से जैक्सन में कनेक्ट हो गया, वहाँ से सीधे आ गया है 12 मॉडल के,
मेटल बॉक्स में, फिर नीचे फुटलाइट दे दिए हैं। फिर इसके बाद देखिए इस इधर भी ड्रॉप उतरा हुआ है, तो इसमें यहाँ पर लाइट दे दिए हैं, एक यहाँ जैक्सन लगा के इधर ले आए हैं, टू मॉडल का यहाँ दे दिए हैं, यहाँ पर एसी का पॉइंट रहेगा और यहाँ बेड स्विच दे दिए हैं 8 मॉडल का। बाहर का जो छज्जा का जो पॉइंट है देखिए, इसका पाइप जो निकला हुआ है, ये ड्रॉप यही वाला है बाहर का है, जिसका कनेक्ट यहाँ पर कर दिए हैं। अब चलिए दोस्तों दूसरा रूम में जाते हैं। सेम उसी तरह से दूसरा रूम में भी किया हुआ है। इसमें एक्स्ट्रा क्या हुआ है कि इस दीवार में एक पॉइंट दे दिए हैं टीवी के लिए, क्योंकि यहाँ पर बेड रहेगा, तो बेड जो रहेगा जब माथा रहेगा, एक यहाँ पर साइड बोर्ड दे दिए हैं आयरन वगैरह चलाने के लिए, और एक बेड स्विच दे दिए वहाँ पर। इसमें भी देखिए यहाँ 12 मॉडल का नीचे फुटलाइट, जिसका सर्किट ऊपर से आया है, और इधर बाथरूम रूम अटैच, ठीक है। तो इसमें भी सीलिंग लाइट है दोस्तों, इसका प्लम्बिंग का भी वर्क हम ही लोग किए हैं, इसका भी डिटेल्स पर डाल देंगे वीडियो बना के। और ये जो किचन जो बना हुआ है दोस्तों, यहाँ पर देखिए यहाँ सिंक रहेगा, सिंक के ऊपर में यहाँ पर वाटर फिल्टर का पॉइंट दे दिए हैं, यहाँ जैक्सन डाल के एक नीचे साइडबोर्ड दे दिए हैं, और इसका सर्किट अंदर से पार्किंग से जो 18 मॉडल का है उधर से आया है, ठीक है। और ऊपर यहाँ पर रहेगा स्टेबलाइजर। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।